हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं रीवा मेट 2021 के बारे में। आज हम इस स्टूडियो में रीवा मेट 2021 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं, लाइक उसका एप्लीकेशन किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिटेड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ रीवा मेट 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन रीवा मेट 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज फुल डिटेल में देखेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर रीवा मेट 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है या कोई भी न्यूज आती है उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं रीवा मेट 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना होगा रीवा मेट 2021, और उसके आगे आप लोगों को लिखना होगा cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये किसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको रीवा मेट 2021 के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन फुल डिटेल में जानने को मिल जाएगी। उसी के साथ साथ ये जो वेबसाइट है वो रीवा मेट की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ डेली बेसिस पे अपडेट भी होती रहती है। तो आगे आप लोगों को सिंपली cet.co.in ध्यान से लिखना है, और उसके बाद जो गूगल में सबसे पहला रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना और उसको ओपन कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको रीवा मेट 2021 की जो है कंप्लीट डिटेल्स जानने को मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं रीवा मेट, तो यहाँ पे सबसे पहले रीवा मेट का जो है हमें फुल फॉर्म दे दिया है, रीवा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो है वो रीवा मेट का फुल फॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीवा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम पॉपुलरली रीवा मेट शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। और ये जो साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है रीवा मेट का एग्जाम स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए, ये एग्जाम जो है रीवा यूनिवर्सिटी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। और जो भी स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या PhD लेवल में किसी भी वेरियस फील्ड्स में एडमिशन चाहिए, लाइक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर मैनेजमेंट, साइंस, लॉ, एजुकेशन एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज विद इन रीवा यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए उन्हें जो है रीवा मेट का एग्जाम देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। क्योंकि रीवा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है रीवा मेट का यानी कि रीवा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी, तभी आपको इसमें जो है एडमिशन मिल सकता है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कौन से MBA कोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो फाइनेंस हो गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, और ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सब जो है MBA मास्टर इन बिजनेस के कोर्सेज आपको वहाँ पे करवाए जाएंगे। नेक्स्ट आप अब हम रीवा मेट के जो है हाईलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। लाइक उसका नाम, उसका फुल फॉर्म ने देख लिया, टाइप ऑफ एग्जाम जो है वो PG लेवल का है, लेवल ऑफ एग्जाम नेशनल लेवल है, जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वहाँ पे वो मैनेजमेंट के है, ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज की वो रीवा यूनिवर्सिटी खुद है उसी के द्वारा जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम मोड की बात की जाए तो दोनों ही जो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, मींस आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको सबमिट करना रहेगा, उसी के साथ साथ एग्जाम भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जो टाइमिंग आपको दिया जाएगा एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, तो 120 मिनट्स यानी कि आपको जो है 2 घंटे दिएंगे, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा। और लास्टली आपको यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है reva.edu.in। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्विक लिंक्स के और, सो गाइस ये क्विक लिंक का सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको किसी भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में जाना है तो आपको सिंपली उसके सामने क्लिक करना होगा, और क्लिक करते आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको रीवा मेट एडमिटेड 2021 की फुल डिटेल जानने को मिल जाएगी। तो इन सब की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आगे एग्जाम डेट्स की बात करेंगे, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एग्जाम डेट जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से दे दिया, इसका एग्जाम का प्रोसेस जो है वो मार्च से स्टार्ट हो जाता है, और जो इसका एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली मई में कंडक्ट किया जाता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें अगर, तो रीवा मेट का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आपको बहुत ही सावधानी भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं आप कोई भी फेक डिटेल्स भरते हैं, कोई भी गलत डिटेल्स भरते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। और एक और जो सबसे बड़ी इशू फेस करते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, वो ये है कि जब उनसे थर्ड स्टेप में कहा जाता है कि उन्हें जो है उनका डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना रहता है, तो उन्हें पता नहीं होता कि किस साइज़ में और किस फॉर्मेट में जो है डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर को जो स्कैन करके अपलोड करना, और वो किसी भी साइज और किसी भी फॉर्मेट में अपलोड करते हैं, उस वजह से उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा,
आपको सिंपली हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना होगा, क्योंकि हम आगे रीवा में 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें हम आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताएंगे, साथ ही साथ उसमें आपको ये भी बताया जाएगा किस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर किस तरह से स्कैन करना है, कितनी KB में सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में सेव करके उसे अपलोड करना है, हर एक चीज़ फुल डिटेल में आपको उस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो, आप जो है वीडियो के माध्यम से सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। रीवा मेट की जो एप्लीकेशन फी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी इंडिया के अंदर रहते हैं, जो भी कैंडिडेट जो एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो इंडिया में ही रहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी है 1000 रुपीज़ है, और जो कैंडिडेट NRI कैंडिडेट्स है उनके लिए जो एप्लीकेशन फी है वो 2000 रुपीज़ है, और जो फॉरन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फी रहेगी वो है $50 जो उनकी फी रहने वाली है। आप एप्लीकेशन फी डायरेक्टली जो ऑनलाइन मोड भी भर सकते हैं, ऑफलाइन मोड भी भर सकते हैं, दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड में डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप भर सकते हैं, और ऑफलाइन मोड में आप डिमांड ड्राफ्ट डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो एड्रेस भी दे दिया गया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोगों को जो है अगर रीवा में एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, रीवा यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना जरूरी है, वरना आप इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अपना चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अलग एलिजिबिलिटी दे दी गई है, क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए अलग है, और स्कोर कार्ड के लिए जो अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दी गई है। लाइक यहाँ पे कहा गया कि आपके पास बैचुलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप जो है इस एग्जाम के लिए अपीयर करने के लिए जो है आप एलिजिबल रहोगे। उसी के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी आपके पास किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की तो भी चलेगा, और आपके जो मार्क्स है मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके जो है 50, अगर हम जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 55%, और रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपके रहना जरूरी है। उसी तरह से और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके द्वारा आसानी से पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। सो गाइस यहाँ पे जो है रीवा मैट का जो आपको पूरा एग्जाम पैटर्न दे दिया गया है, और एग्जाम पैटर्न आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप लोगों को एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मालूम रहेगा तभी आपको जो अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज बनाने में प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बता दिया है कि वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो मीडियम ऑफ पेपर रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, पेपर और कोई लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं रहेगा। साथ ही साथ जो टाइमिंग है टोटल 2 घंटे का, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर जो है सॉल्व करना होगा। आप लोगों से जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, और आप मार्किंग की अगर बात की जाए तो एक सही आंसर पे आपको जो है 1 मार्क्स दिया जाएगा, और सेक्शन टोटल यहाँ पे जो है नीचे आपको बता दें टोटल 4 सेक्शन है। यहाँ पे वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग कंपैरिजन उसमें से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर में से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में से 25 क्वेश्चन, और डाटा इंटरप्रिटेशन में से 25 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात की जाए तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से फुल डिटेल सिलेबस जो है चेकआउट कर सकते हैं विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर एक जो है सेक्शन के लिए अलग अलग सिलेबस आपको वहाँ पे लिंक के द्वारा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की। सो गाइस रीवा मेट का जो एडमिट कार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आप लोगों को जो है एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग एक और बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ती है वो ये है कि उन्हें पता नहीं चल पाता कब एडमिट कार्ड जो है रिलीज होता है और कब एडमिट कार्ड की डाउनलोडिंग डेट है वो एंड हो जाती है, और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। सो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखना है, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हो रीवा मेट का हम आपको अगले ही पल वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि एडमिट कार्ड जो रिलीज हो चुका है, और आप जो अपना एडमिट कार्ड वीडियो के माध्यम से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात की जाए रिजल्ट की, रिजल्ट के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होती है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा तो जो है रिजल्ट डिक्लेयर होते आपको जो है सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल लिंक भी दे दी जाएगी जिससे आप अपना रिजल्ट आसानी से डायरेक्टली चेकआउट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आपको रीवा में 2021 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी जो है हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।